आज हम बनाएंगे बहुत ही खस्ता और कुरकुरे नमक पारे, जो कि बहुत ही टेस्टी स्नैक्स है फ्रेंड्स। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमक पारे को आप दिवाली में, होली में या फिर तीज में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। साथ ही मैं इसके कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कुक शालू, और मैं हूँ शालू। तो आज मैं आपके हाथ बहुत ही टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी लेकर आए हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज की हम रेसिपी शुरू करते हैं। नमक पारे बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मैदा। तो यहाँ पर मैंने इसे छन्नी से छानकर यूज किया है। तो 1.5 कटोरी मैंने मैदे का यूज किया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कलौंजी, आधी छोटी चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर। इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड किया है। आप ज़रूर से बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी नमक पारे बनकर तैयार होते हैं। और अब मैंने इसमें मोइन के लिए यूज़ किया है रिफाइन ऑयल, और इसे हम अच्छे से मिक्सअप करेंगे। आप ऑयल की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया से हमें इसे मिक्स करना है। नमक पारे में हमेशा आप ऑयल ज़रूर ऐड करें मोयन के लिए, इससे हमारे नमक पारे बहुत ही खस्ता और कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं। तो नमक पारे में आप मोयन ज़रूर ऐड करें। और अब आप देखेंगे कि इसका एक बॉल टाइप फॉर्म स्ट्रक्चर हो रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट है मोयन हमारा आटे में। ये देखिए, फिर से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इसे हम हाथों में लेकर हल्का सा प्रेस कर देंगे तो इसकी एक छोटी सी बॉल बनकर तैयार हो रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें मोयन परफेक्ट है। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो नमक पारे का जो डो होता है वो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ना ही हार्ड, जैसे हम पूरियों का डो बनाकर तैयार करते हैं ना, बिल्कुल वही डो हमें नमक पारे का भी तैयार करना है। तो नमक पारे का डो हमेशा ना ज़्यादा सॉफ्ट गूंधे ना ज़्यादा हार्ड। तो थोड़ा सा पानी लगाकर हम इसे और बढ़िया से गूंद कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा हार्ड है। और अब हम इसमें हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाया मैंने, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे कि बढ़िया से सेट हो जाए। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, तो बहुत ही बढ़िया से ये सेट हो चुका है। एक बार हम इसे अच्छे से मल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया सा सॉफ्ट डो गूंद कर तैयार हुआ है। और अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पे जो डो बनाकर तैयार किया था उसका मैंने एक सेक्शन ले लिया है, और अब हम इसे बढ़िया से रोल कर लेंगे और हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए, और अब हम इसे बढ़िया से बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो हम इसे ना ज़्यादा मोटा बेलेंगे और ना ज़्यादा पतला, मीडियम फॉर्म में हम इसे बेल कर तैयार करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डो हमारा कितना परफेक्ट गूंदकर तैयार हुआ है, ना ही ये चिपक रहा है और ना ही मैंने इसमें आटा या मैदे की डस्टिंग की है। बहुत ईजली मैं इसे उठाकर पलट रही हूँ। तो बढ़िया से हम इसे बेलकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ना ज़्यादा पतला बेला है मैंने इसे, ना ज़्यादा मोटा बेला है, बिल्कुल मीडियम साइज़ का बेल के मैंने इसे तैयार किया है। तो अब हम इसे बीच से कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक नाइफ की हेल्प से इसे बढ़िया से कट कर लिया है बीच से, और हम एक पार्ट को उठा के साइड में रख देंगे और दूसरे पार्ट को हम कट करेंगे। तो आप इसे डायमंड शेप में काटे, स्क्वायर शेप में काटे, पतले लंबे जैसे आपको पसंद हो आप उस शेप में इसे काट कर तैयार करें। तो बढ़िया से हम इसे कट करेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता नमक पारे बनकर तैयार होते हैं, तो ज़रूर से ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स ये चाय के साथ। सेम प्रोसेस से हम बाकी के नमक पारों को भी कट करके रेडी कर लेंगे।
तो सारे नमक पारे बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं। ये आप एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऑयल में जाते ही ये अलग हो जाते हैं। तो आप नमक पारों को होली में बनाएं, दिवाली में बनाएं, तीज में बनाएं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगते हैं। ऑल टाइम सबके फेवरेट स्नैक्स होते हैं ये। तो बढ़िया से ऑयल भी यहाँ पर गर्म हो चुका है, गैस को हम लो फ्लेम पर कर देंगे। नमक पारों को जब भी आप डीप फ्राई करें तो हमेशा आप लो फ्लेम पर रखकर ही इन्हें फ्राई करें। उससे क्या होता है कि बहुत ही खस्ता और कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं। और अगर आप इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और आप देखेंगे फ्रेंड्स कि नमक पारे ऑयल में जाते ही अलग अलग हो चुके हैं। एक बार हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा गोल्डन कलर भी आ चुका है नमक पारों पर। इनको डीप फ्राई करने में टोटल 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्हें कैसी फ्लेम पर फ्राई करते हैं, हाई फ्लेम पर या लो फ्लेम पर। तो मैंने इसे लो फ्लेम पर रख कर ही डीप फ्राई किया है, इससे ये बहुत ही बढ़िया खस्ता और कुरकुरे बनते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। आप एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जब आप नमक पारे को निकालें तो जो आपको कलर चाहिए उससे थोड़ा लाइट शेड में ही निकालें, बिकॉज़ ये ठंडे होने के बाद और भी अंदर से कुक होते हैं जिससे इनका कलर डार्क हो जाता है। तो सेम प्रोसेस से बाकी के बचे हुए नमक पारों को भी हम डीप फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि मैंने इनकी कुकिंग लो फ्लेम पर रख कर ही की है। तो अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। आपको जितना डार्क चाहिए उससे आप एक शेड लाइट ही निकालें। तो यहाँ पर मैंने इन्हें प्लेट पर निकाल लिया है और सेम प्रोसेस से बाकी के नमक पारों को भी हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे नमक पारे डीप फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खस्ता बनकर ये तैयार होते हैं। तो आप इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी है फ्रेंड्स। आप इन्हें चाय के साथ ज़रूर इन्जॉय करें, बहुत ही यम्मी लगते हैं। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हों तो आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर में भरकर लेकर जा भी सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और आप इन्हें महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते हैं। पर आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब ये ठंडे हो जाएं उसके बाद ही हम इन्हें एयर टाइट कंटेनर में भरकर रखें। नमक पारे बनाने के कुछ टिप्स भी हम जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो पहली टिप ये है, जब भी आप नमक पारे बनाएं तो नमक पारे का जो डो है वो ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। साथ ही बहुत ही स्मूथ सा डो बनाकर हमें इसका गूंदना चाहिए, उससे बहुत ही बढ़िया हमारे नमक पारे बनकर तैयार होते हैं। और सेकेंड टिप ये है कि नमक पारे को आप हमेशा लो फ्लेम पर ही डीप फ्राई करें, बहुत ही खस्ता और कुरकुरे बनते हैं उससे। और थर्ड टिप्स ये है, स्टोर करने से पहले आप इसे ठंडा कर लें, उसके बाद आप इसे स्टोर करें, उससे ये बहुत ही खस्ता और कुरकुरे बने रहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज की मेरी मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे मेरे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।